हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल बुक। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, सेफ्टी एंड प्रिकॉशन से रिलेटेड है, जो वर्कशॉप के अंदर, आईटीआई के अंदर या कोई कारखाना है, कंपनी है, उसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है ये टॉपिक। इसका जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वर्कशॉप के अंदर अगर आपको सेफ्टी से रिलेटेड फायर ये कौन कौन सी श्रेणी में आती है और इसके लिए जो हम उपचार करते हैं अग्निशामक यंत्र, फायर एक्सटिंग्यूशर, कौन सी श्रेणी के ऊपर कौन सा फायर एक्सटिंग्यूशर आपको यूज़ करना है, तो सबका पता होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको सही से नहीं पता है कि कौन सा फायर एक्सटिंग्यूशर यूज़ करेंगे या नहीं करना है, तो उससे क्या होगा, दुर्घटना आपकी जो हो रही है वो और भी बढ़ सकती है। इसमें आपकी हानि होगी, लेकिन आप दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फायर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फायर। फायर को हम आग बोलते हैं। आग कितने टाइप की होती है, उसको किन किन श्रेणी में रखा गया है और उसको बुझाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्यूशर, वो कौन कौन सा यूज़ करेंगे, किस टाइप की आग है और कौन सा हमें यूज़ करना है, ठीक है। ये आईटीआई के अंदर सेफ्टी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला चैप्टर है, ये हर ट्रेड के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आग को परिभाषित करते हैं कि आग क्या है, इसको डिफाइन करते हैं। फायर आग। आग क्या है हमारा, एक केमिकल रिएक्शन है जो कि ज्वलनशील पदार्थों का हीट एवं ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ये आग लगती है। और द फॉलोइंग आर द थ्री फैक्टर दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन फॉर ए फायर। तीन चीजों का होना बहुत ही जरूरी है आग लगने के लिए। सबसे पहले ऑक्सीजन का होना आग लगने के लिए बहुत ही आवश्यक है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में रहती है। उसके बाद में फ्यूल है। फ्यूल आपका जैसे कि कोई भी सॉलिड हो सकता है, पेट्रोल, डीजल, कागज, तेल इत्यादि। उसके बाद हीट क्या है, ताप। अगर आपके पास में ऑक्सीजन है, फ्यूल है और ताप है, अगर तीनों का कॉम्बिनेशन मिक्स हो जाएगा तो ये आपका कॉम्बिनेशन आग का रूप ले लेगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ फायर। केमिकल कंपोजिशन ऑफ फायर के अंदर ये तीन चीजें हमने दोबारा से दी गई है, एक फ्यूल, नंबर दो पे हीट, नंबर तीन पे ऑक्सीजन। फ्यूल के अंदर आपका कोई भी एनी सब्सटेंस हो सकता है, जैसे कि लिक्विड, सॉलिड, गैस इत्यादि। जैसे जो फ्यूल के अंतर्गत आते हैं हमारा पेट्रोल, डीजल, कागज, गत्ता, लकड़ी इत्यादि, कोई भी सॉलिड हो सकता है आपका, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के अंदर अगर ये हाई टेम्परेचर के अंदर मिक्स होंगे तो ये आग का रूप ले सकते हैं। उसके बाद हीट है। हीट क्या होती है, हीट किसी भी चीज का, किसी भी पदार्थ का, सब्सटेंस का जलना एक कोई निश्चित टेम्परेचर होता है, अगर उस टेम्परेचर पे आ जाती है तो वो जल जाती है। तो एक टेम्परेचर होता है हर चीज़ का। तो उसके तीसरे नंबर पर जो तीसरा कंटेंट है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, सफिशियंट क्वांटिटी इन एयर टू कीप ए फायर बर्निंग। आग को लगने के लिए एक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में सफिशियंट मात्रा में है। सांस लेने के लिए भी यूज करते हैं इन्वायरमेंट में ये उपस्थित रहती है हर समय। तो ये मुख्य रूप से तीन चीज होती है आपकी जो आग लगने के लिए बहुत जरूरी है। यार इनके अंदर से कोई एक चीज को भी हटा दिया जाएगा तो क्या होगा, आग आपकी नहीं लगेगी। इस पीपीटी के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को हमने अलग कलर से दिखाया गया है, जो आपका ये है ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, ठीक है। अगर इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, आग का रूप ले लेगा, तो ये हमारा फायर होता है, फायर, ठीक है। तो नेक्स्ट पीपीटी के अंदर हम देखेंगे फायर एक्सटिंग्यूशर है, उसको डिफाइन कर रहे हैं, उसके पार्ट्स और जो आपका
फायर एक्सटिंग्विशर है वो होता क्या है, एक पोर्टेबल डिवाइस होती है, ठीक है, डिवाइस दैट डिस्चार्ज ए जेट ऑफ वाटर। ये पोर्टेबल डिवाइस है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम ले जा सकते हैं, आमतौर पे सभी वर्कशॉप के अंदर और आईटीआई के अंदर ये देखने को मिलती है। और ये रेड कलर की फायर एक्सटिंग्विशर को रेड कलर दिया जाता है ताकि अगर ये कहीं पे भी लगा है तो इसको हम आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर वाटर होता है, ठीक है, वाटर, उसके बाद फोम, गैस और अदर मटेरियल हो सकता है इसके अंदर, जो कि फायर के ऊपर हम क्या करते हैं, इसको डिस्चार्ज करते हैं, आग को बुझाने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद इसके जो मुख्य मुख्य पार्ट्स हैं, सबसे पहले हैंडल होता है, ये ऊपर हैंडल है, ठीक है, उसके बाद में सेफ्टी पिन होती है, सेफ्टी पिन हैंडल और ट्रिगर के बीच में क्या होती है, सेफ्टी पिन लगी होती है। सेफ्टी पिन ये इसलिए लगाई जाती है कि जब भी आपको फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है तो इस सेफ्टी पिन को हटाएंगे और हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। अगर आपको फायर एक्सटिंग्विशर नहीं यूज करना है तो उसकी सेफ्टी के लिए सेफ्टी पिन लगाई जाती है ताकि हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा और वो खाली हो सकता है। उसके बाद इसके अंदर प्रेशर गेज लगी होती है, प्रेशर गेज है आपकी, प्रेशर इसके द्वारा ये पता लगता है कि इसके अंदर प्रेशर कितना है, तो ये प्रेशर गेज लगी होती है क्योंकि इसके अंदर एक प्रेशर मेंटेन रखा जाता है। जब भी हम आग को बुझाते हैं तो एक प्रेशर के साथ में फोम या ड्राई पाउडर इत्यादि को हम डिस्चार्ज करते हैं। उसके बाद इसके अंदर ट्यूब है, सल्फ्यूरिक एसिड है जो इसके अंदर भरा हुआ है, सोडियम कार्बोरेट इत्यादि है जो इसके अंदर अभी भरा हुआ है। तीसरे लास्ट में इसके ऊपर आती है नोजल, इसको हम क्या बोलते हैं, नोजल। नोजल क्या है, कोई भी हमारा जहाँ पे आग लगी हुई है, कोई सब्जेक्ट है तो उसके सामने हम क्या करेंगे, इसको नोजल को सामने करेंगे और एक निश्चित दूरी बना के हम क्या करेंगे, सेफ्टी पिन को निकाल के ट्रिगर दबाएंगे और इसको स्मूथ तरीके से बुझाएंगे। हमें क्या करना है, जब भी आग लगती है तो स्टे के ऊपर यूज करना उसको, ना कि ऊपर करेंगे, तो स्टे से लेके आपको ऊपर तक आग को बुझानी और निश्चित दूरी बनाए रखनी है आग बुझाते समय। ये सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमने आग है, फायर है, उसको हमने अलग अलग क्लासिफिकेशन के अंदर बांटा गया है या बांट दिया है, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर एंड फायर एक्सटिंग। तो सबसे पहले हमारी क्या आती है, क्लास ए, ठीक है, आग को हमने अलग अलग श्रेणी के अंदर बांटा है। तो इस पीपीटी के अंदर हमने बताया कि जो क्लास ए टाइप की फायर है वो किस सब्सटेंस से या किस पदार्थ से लगती है और उसको बुझाने के लिए हमें कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है। तो अगर आप देख पा रहे हैं इसके अंदर जो हमारे ये दिया हुआ सामने, इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है आप सभी को, ये आपका लकड़ी, इसके अंदर जो लकड़ी है वो दिख रही है, तो लकड़ी को हम क्या बोलते हैं, वुड, ठीक है, लकड़ी को क्या बोलते हैं, वुड। तो क्लास ए के अंदर कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक तो होगी आपकी लकड़ी, दूसरा क्या हो गया, पेपर, ठीक है, तीसरा क्या हो गया, क्लॉथ्स, क्लॉथ्स कपड़ा, कपड़ा हो गया, उसके बाद में रबर हो गया, ठीक है, और ट्रेस, जो हमारी जो लकड़ी है, गत्ता है जो हमने यूज कर लिया है उसको जैसे हम डाल देते हैं ट्रेस के अंदर, तो यूजेबल कपड़ा, लकड़ी, गत्ता इत्यादि हो सकता है, एंड प्लास्टिक। तो अगर ये चीजें आपकी हैं, अगर इनसे आग लगी है तो वो ए टाइप की श्रेणी के अंदर आएगी आग, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आग, पेपर, क्लॉथ्स, रबर, ट्रेस एंड प्लास्टिक, ठीक है, पीपीटी के अंदर लकड़ी दिखाई गई है, अगर इनसे आग लगती है तो ए टाइप की श्रेणी की आग कहलाएगी। उसके ऊपर आपको कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है, अगर ए टाइप की आग लगी है तो उसके ऊपर आपको जो मोस्ट इफेक्टिव होगा वो होगा वाटर कूलिंग, ठीक है, जो आपका पानी से भरा हुआ फायर एक्सटिंग्विशर होता है आपको वो यूज करना है, या फिर सैंड, जो रेत होता है, रेत, ठीक है, रेत जो होता है वो यूज करना है। रेल के अंदर भी आपने सफर किया है या बस स्टैंड के ऊपर भी गए हैं तो वहां पे देखा होगा कि जो रेड कलर की बाल्टियां होती है उनके अंदर रेत भरा होता है, तो वो स्पेशल आपके ए टाइप की अगर आग लगी है, अब उनको बुझाने के लिए हम रेत की बाल्टियों का भी यूज करते हैं। इसके साथ में आपका क्या हो गया कि जो वाटर है उसको भी हम स्प्रे भी कर सकते हैं, वैसे भी हम उसके ऊपर डाल सकते हैं, जिससे जनरली तौर पे आपकी आग
बुझ सकती है अगर वो ए टाइप की श्रेणी की आग है तो। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हम बात करेंगे जो क्लास बी टाइप की फायर है, बी टाइप की श्रेणी के अंदर कौन कौन सी फायर आती है बी टाइप की, ठीक है, क्योंकि आग को हमने अलग अलग श्रेणियों के अंदर बांट दिया है जिससे कि उसको बुझाने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्यूशर हमें यूज करना है वो हमें पता रहे और हम आग को आसानी से काबू कर सके या फिर हम उसको बुझा सके। तो दो नंबर पे आता है क्लास बी। दूसरी श्रेणी के अंदर कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो दूसरी श्रेणी में आपकी लिक्विड्स आता है, लिक्विड्स, ठीक है। लिक्विड्स क्या हो गया, जैसे कि पेट्रोल डीजल इत्यादि, पेट्रोल या फिर डीजल है वो क्या है आपका लिक्विड्स के अंदर आता है। हमने आपकी भी पीपीटी में दिखाया हुआ है कि यहाँ पे एक कैन है और कैन के अंदर क्या है, पेट्रोल है या फिर डीजल है। उसके बाद में सॉल्वेंट्स हो गया, सॉल्वेंट्स क्या है, ये भी एक लिक्विड ज्वलनशील पदार्थ है, जैसे कि हम पेंट करते हैं, पेंट इत्यादि में जो गन यूज करते हैं उनको साफ करने के लिए सॉल्वेंट इत्यादि का यूज किया जाता है, क्लीनिंग करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो सॉल्वेंट से अगर आग लगी है तो वो भी आपकी बी टाइप की श्रेणी में आएगी। उसके बाद ऑयल हो गया, ऑयल का हम यूज करते हैं जैसे कि इंजन ऑयल हो गया, ठीक है, जो गाड़ी के अंदर लुब्रिकेशन इत्यादि करने के काम आता है, जब भी हम उसको यूज करते हैं या फिर उसको सर्विस के दौरान नया ऑयल यूज करते हैं तो हमने जो यूज किया उसको हम बाहर निकालते हैं। अगर उसको बाहर निकालते हैं तो वो उसको क्या है, डिस्पोज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो भी आग का कभी ना कभी उसके जरिए भी आग लग सकती है। उसके बाद पेंट्स हो गया, अगर आपकी पेंट्स है अगर उससे आग लगी है तब भी वो बी श्रेणी की फायर में आएगी। उसके बाद लिक्विड्स है एंड अदर ऑयल है, ठीक है, ये आपके ऑयल्स हैं, अगर इत्यादि ऐसे कुछ प्रोडक्ट है, ये आपका क्या है लिक्विड्स, मतलब कि मार्किंग के लिए यूज किया जाता है, मार्किंग, ठीक है, सल्फेट मार्किंग होती है या पोर्शन ब्लू होती है इत्यादि मार्किंग के अंदर यूज किया जाता है मेटल्स के ऊपर। तो अगर इनसे ये अगर कोई भी चीज है, लिक्विड्स, पेट्रोल, डीजल, तेल, ऑयल एंड अदर ऑयल, ठीक है, सॉल्वेंट इत्यादि है, तो वो बी श्रेणी की फायर कहलाएगी। और बी श्रेणी की अगर फायर कहलाएगी तो उसको बुझाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, उसको बुझाने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्यूशर यूज करेंगे अगर बी श्रेणी की फायर है तो। तो सबसे पहले हम उसके ऊपर फोम का यूज करेंगे, फोम, ठीक है, फोम है सबसे इफेक्टिव है फोम, अगर बी श्रेणी की आग है लिक्विड से लगी है तो हमें क्या करना है कि फोम टाइप का फायर एक्सटिंग्यूशर यूज करना है। उसके बाद हम ड्राई पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, ड्राई पाउडर भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपकी आग बुझाने के लिए, ये आग को पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा और उसको स्मूथिंग धीरे धीरे उसको ऑक्सीजन के कंटेंट को खत्म करके आग को बुझाएगा। तीसरे पे आता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो हम क्या है कि इन तीनों का यूज कर सकते हैं अगर बी श्रेणी की फायर है तो, हम फोम का, ड्राई पाउडर का और CO2 का यूज करेंगे। और इसके अंदर एक ध्यान देने वाली बात है कि वाटर शुड नेवर बी यूज्ड ऑन बर्निंग लिक्विड्स, अगर आपकी लिक्विड से आग लगी है, ठीक है, अगर आपकी किससे लगी है, लिक्विड्स ऑयल, सॉल्वेंट, पेंट्स हो गया, ऑयल हो गया, डीजल, पेट्रोल इत्यादि है, अगर इनसे आग लगी है तो हम क्या करेंगे, वाटर का यूज नहीं करेंगे, पानी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बी टाइप की आग लगी है क्योंकि उसके ऊपर अगर हम पानी का यूज करेंगे तो क्या होगा, स्लज जम जाएगी, ठीक है, और स्लज अगर जमती है तो क्या होगा कि हमारी जो नुकसान हुआ है, हमारी मशीनों का नुकसान हुआ है या फिर उसके वर्कशॉप का नुकसान हुआ है, तो उसको क्लीन करना बहुत ही मुश्किल होगा और नुकसान के ऊपर हमारा क्या होगा, और भी नुकसान हो जाएगा, इसलिए उसके ऊपर वाटर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अगर बी श्रेणी की आग है तो स्लज का रूप ले लेगी, ठीक है, नुकसान भी होगा और फिर उसको फिर क्लीन करना भी बिल्कुल आपके बहुत ही मुश्किल होगा। नेक्स्ट हम सी टाइप की फायर पढ़ेंगे, सी जो आपकी फायर है, सी श्रेणी के अंदर कौन कौन सी फायर आती है वो देखेंगे हम। जो हमारी क्लास सी है, क्लास सी के अंदर आपकी कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि फ्लेमेबल लिक्विफाइड गैस। फ्लेमेबल लिक्विफाइड गैस क्या होती है, जो हमारे धरती के अंदर से क्रूड ऑयल निकाला जाता है उसके अंदर हमारी गैसें भी होती हैं, जैसे कि सीएनजी क्या होती है, सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस होती है, ठीक है,
कंप्रेस नेचुरल गैस होती है जो गाड़ियों के अंदर यूज की जाती है, और ये आपकी विस्फोटक गैस होती है, ज्वलनशील होती है, फ्लेमेबल लिक्विड्स के अंदर आती है ये। तो इसके अंदर आपकी सीएनजी होगी, उसके बाद एलपीजी होगी, एलपीजी लिक्विफाइड, एलपीजी क्या होती है, लिक्विफाइड क्या होती है, गैस होती है जो घरों में खाना बनाने के लिए यूज की जाती है। तो अगर सीएनजी से एलपीजी से आग लगी है तो वो क्या आएगी, क्लास सी, श्रेणी सी के अंदर अंतर्गत आएगी। और उसके बाद एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन गैस है यह मुख्य रूप से वेल्डिंग के अंदर यूज की जाती है। जब हम गैस वेल्डिंग करते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का यूज किया जाता है, जिसमें कि ये बहुत ही विस्फोटक गैस होती है। अगर इन चीजों से आग लगी है, अगर आपकी इनसे लगी है, तो हम कहेंगे कि वो कौन सी श्रेणी की है, सी टाइप की श्रेणी है। सी टाइप में उसको क्लासिफाइड किया हुआ है, जैसे कि हमने पीपीटी से दिखाया हुआ है, एलपीजी का जो सिलेंडर है उसको दिखाया है कि ये आपकी सी टाइप की श्रेणी है। सी टाइप की श्रेणी है, उसको बुझाने के लिए हम कौन सा फायर एक्सटिंग्यूशर यूज करेंगे, आइए देखते हैं। तो इसके ऊपर अगर इनसे आग लगी आपकी सीएनजी, एलपीजी, एसिटिलीन, तो हम क्या करेंगे, ड्राई पाउडर का यूज करेंगे। ड्राई पाउडर एक फायर एक्सटिंग्यूशर आता है, जिसका ये बहुत ही इफेक्टिव होता है, ठीक है। ये क्या करता है, आग को कंट्रोल करता है और उसको धीरे धीरे ऑक्सीजन को भी उस वहां से रिमूव करता है और आग को कवर कर लेता है। ये बुझाना स्मूथरिंग कहलाता है, ठीक है, ऑक्सीजन को कट करना ये स्मूथरिंग कहलाता है। तो आप सभी जानते हैं कि सीएनजी, एलपीजी ये बहुत ही विस्फोटक होती है, तो ड्राई पाउडर बहुत ही इफेक्ट करता है, इफेक्टली इसके ऊपर काम करता है। तो हम कोई भी दूसरा यूज नहीं करेंगे, ड्राई पाउडर का ही यूज करेंगे उसके ऊपर, हमें फोम, वाटर इत्यादि का यूज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है, नेक्स्ट के अंदर क्लास फोर, जो हमारी क्लास फोर है, श्रेणी फोर के अंदर कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है जिससे आग लगती है। तो जो हमारी श्रेणी फोर है, ठीक है, उसके अंदर मेटल्स होती है आपकी, क्या होती है, मेटल्स सच एज ए मैग्नीशियम, लिथियम एंड टाइटेनियम, ये क्या होती है, कुछ मेटल्स होती है उनके अंदर आग लगती है, लिथियम, मैग्नीशियम और टाइटनम, ये आपकी क्या होती है, कुछ मेटल्स होती हैं। अगर इनके इनके अंदर आग लगती है, अगर मेटल्स में आग लगती है, तो हम कहेंगे कि वो क्लास फोर, श्रेणी फोर की आग है। कौन सी है, श्रेणी फोर की आग है, और यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है, ये जो आपको दिख रही है ये क्या है आपकी, ये मेटल्स है, ठीक है, मेटल्स है। ये आपकी मैग्नीशियम भी हो सकती है और लिथियम भी हो सकती है। उसके साथ हमने नीचे एक चीज और भी दिखाई हुई है इसके अंदर, कि फायर और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, अगर आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के अंदर आग लगती है तो वो भी हम श्रेणी डी में पढ़ेंगे, ठीक है, श्रेणी डी के अंतर्गत आती है ये सब जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है। तो इसके अंदर हमने पीपीटी में दिखाया हुआ है, जैसे बोर्ड है ये और सॉकेट इत्यादि दी हुई है, तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गया आपका, ठीक है। अगर इन सब चीजों से आग लगी है तो हम कहेंगे कि वो श्रेणी फोर टाइप की फायर है, उसको बुझाने के लिए हम कौन सा फायर एक्सटिंग्यूशर यूज करेंगे। तो इसके अंदर जो इफेक्ट, जो बहुत ही इफेक्टिवली काम करेगा, वो कौन सा होगा आपका, हेलन टाइप, ठीक है, हेलोन, हेलोन एक फायर एक्सटिंग्यूशर होता है। ये मोस्टली कहाँ पे यूज किया जाता है, जो हमारे एयरक्राफ्ट है, एयरप्लेन होती है, एरोप्लेन होती है, उनके अंदर यूज किया जाता है। ये 4 से 6 फीट का होता है और काफी कॉस्टली होता है, ठीक है, जनरली रूप से ये एयरक्राफ्ट और एरोप्लेन्स के अंदर यूज किया जाता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज करेंगे, जिसको हम CO2 बोलते हैं, ठीक है, वो भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के लिए भी बहुत ही स्टेबल है। CO2 आपका मेटल्स में और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में बहुत ही स्टेबल है, फायर एक्सटिंग्विशर है, जो आग को बुझाने में सक्षम है। उसके बाद ड्राई पाउडर का भी यूज करेंगे, हम ड्राई पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास में हेलोन नहीं है, CO2 नहीं है, अगर आपके पास में ड्राई पाउडर है तो उसका भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद CTC है, CTC क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है, क्लोराइड, ठीक
इसका भी हम यूज कर सकते हैं, और इसका फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, CTC की कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है। इसका भी हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक चीज और है जो हमने इसमें क्लास 4 में ही डाला, फायर ऑन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। इसको हम सी श्रेणी में भी पढ़ते हैं, लेकिन क्या है कि हमने इसको डी में डाला हुआ है, क्योंकि जो हमारी मेटल्स होती हैं, मेटल्स जैसे मैग्नीशियम है, लिथियम है, ये मेटल्स हैं। और जो हमारी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के अंदर जैसे हमारे पार्ट्स हैं, तो इसके अंदर भी तारें इत्यादि होती हैं, उनके अंदर भी मेटल्स होती हैं, सिल्वर की हो सकती है, कॉपर की भी हो सकती है। तो ये क्या है, एक साझा है दोनों का लगभग, कि श्रेणी इसमें मेटल्स आती है तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में भी मेटल्स आती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम इसको क्लास डी में पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर एक ध्यान देने वाली बात है, नोट के अंदर यहाँ पे डाला हुआ है कि फोम एंड लिक्विड, जो फोम और लिक्विड्स टाइप के जो फायर एक्सटिंग्यूशर है वो हमें क्या करने हैं, यूज नहीं करने हैं। क्या है, आपको यूज नहीं करने हैं। हम सभी जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में आग लगी है या फिर किसी मेटल्स के अंदर आग लगी है, तो क्या होगा, हम आग को बुझाने के लिए जाएंगे। और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है उनके अंदर क्या होता है, करंट होता है। अगर हम क्या करेंगे, फोम का यूज करेंगे और लिक्विड या वाटर का यूज करेंगे, तो क्या होगा, हमें करंट लग सकता है, हमारी जान भी जा सकती है, और हमारे साथ में जो भी लोग खड़े हैं आसपास में, ठीक है, और उनकी भी जान जा सकती है जो आग को बुझा रहे होते हैं या काबू कर रहे होते हैं। तो कभी भी आपको बिना सोचे समझे फायर एक्सटिंग्यूशर यूज नहीं करना है। आपको पहले क्या करना है, गो टू एक्चुअल प्लेस, सी द एक्चुअल थिंग एंड टेक नेसेसरी एक्शन। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको उसके ऊपर उपचार करना है या फायर एक्सटिंग्यूशर का यूज करना है, ठीक है। तो ये आपका जो क्लास डी है, क्लास डी टाइप की आग आती है इसके अंदर। उसके बाद में क्लास एफ भी पढ़ते हैं, और कई लोग इसको के भी बोल देते हैं, क्लास के या क्लास एफ। तो आपको है ना इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, क्लास एफ या क्लास के एक ही चीज है, ठीक है, इसके अंदर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है, आपका क्या है, कुकिंग ऑयल। इसके अंदर कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है, कुकिंग ऑयल, ठीक है, ये कुकिंग ऑयल हो गया, जिससे जो खाना बनाने के लिए जो ऑयल का यूज करते हैं, तो कुकिंग ऑयल हो गया। उसके बाद ऑयल एंड फैट्स, ऑयल हो गया आपका तेल, फैट्स वसा हो गया, ठीक है, क्योंकि घर के अंदर हम वसा का तेल इत्यादि भी यूज करते हैं। तो उसके बाद में फिर आ गया सच एज वेजिटेबल ऑयल, सब्जी बनाने का जो ऑयल होता है घरों में यूज किया जाता है, सब्जी का जो ऑयल है वेजिटेबल ऑयल। उसके बाद में क्या है, फिर सनफ्लावर ऑयल, ये क्या होता है, आपका सूरजमुखी का ऑयल होता है, सूरजमुखी का तेल होता है इसको, ठीक है, याद रखना आप सभी, सूरजमुखी तेल होता है ये। तो कभी कभी एग्जाम में या कहीं पे पूछ लेते हैं, आ जाता है कि ये किस टाइप की फायर के अंदर आता है, ओलिव ऑयल, ये क्या होता है आपका, जैतून का तेल, ठीक है, जैतून का तेल होता है ये आपका, ये भी आपको याद रखना है, जैतून का तेल, ठीक है। उसके बाद में मेज ऑयल होता है, एक मेज मेज ऑयल, ठीक है, मेज ऑयल क्या होता है, मक्का का तेल, ठीक है, मक्का का तेल या मक्का का ऑयल, ठीक है। तो उसके बाद में फिर आ गया आपका क्या हो गया, लार्ड, लार्ड क्या होती है, चर्बी, क्या होती है, चर्बी होती है लार्ड, एवं बटर, बटर आपका घी आ गया, ठीक है। तो इन अगर ये चीज इन्वॉल्व है आपकी जो क्लास 5 है, 5 नंबर की जो श्रेणी की आग है, उसके अंदर क्या होगा आपका, हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, आपका कुकिंग ऑयल है, आपका वसा है, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल है, या फिर सनफ्लावर सूरजमुखी का तेल है, या फिर उसके अंदर जैतून का है, या मक्का का ऑयल है, लार्ड चर्बी है, या बटर है। अगर इन सब चीजों से आग लगी है, तो क्या होगा कि हम बोलेंगे कि वो 5 नंबर श्रेणी के अंदर अंतर्गत आती है वो आग, फायर एफ टाइप की फायर है वो। और उसको बुझाने के लिए हम कौन सा फायर एग्जीक्यूशन यूज करेंगे, तो उसको बुझाने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, बहुत ही इफेक्टिव है, ठीक है, बहुत ही इफेक्टिव है, और आग को बुझाने में बिल्कुल सक्षम है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वेट केमिकल, क्या होता है ये, वेट केमिकल है, जो कि इस
एफ टाइप की जो इन्वॉल्व हैं, जो सब्सटेंस हैं जिनके थ्रू आग लगती है, उस आग को बुझाने के लिए वेट केमिकल होता है। ये क्या करता है आपका, इसके अंदर कौन सा कंटेंट होता है, पोटासियम साल्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है, पोटासियम साल्ट होता है जो क्या करता है, इफेक्ट बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है आग के ऊपर, उसको बुझाता है। और जो आपके ऑक्सीजन का, जो उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, आ रही होती है, मौजूदगी होती है, उसको अलग भी करता है और उसको स्मूथ तरीके से बुझाता है। तो ये बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। और यहाँ हमने पीपीटी में दिखाया है, इसका मतलब कि ये आपका तेल है, कौन सा है, ये आपका सूरजमुखी का तेल है, ठीक है, जो कि इसके ऊपर काम करेगा। तो अगर ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी और आपको पसंद आई, तो कृपया आप इन सब चीज़ों को लाइक करें, शेयर करें, और इसके बाद हम एक से एक और अच्छी वीडियो लेके आ रहे हैं, तो आप इनको पूरा देखें और अपने जो साथ में आपके जो भी पढ़ते हैं उनको भी बताएं कि जो क्लास किस किस टाइप की फायर है, कैसे बुझाते हैं उनको। थैंक यू।